तो आज हम बड़े मजे का वीडियो बनाएंगे। हर कोई समझता है कि पैसा सब कुछ, और पैसे के अलावा भी काफी चीजें जो हमने डिस्कस कर ली हैं, जिससे कि औरतें या लड़कियां इम्प्रेस हो। वो कौन सी आदतें, वो कौन सी चीजें, वो कौन सी काबिलियत है जिससे लड़कियां इम्प्रेस, उन चीजों के बारे में हमने रिसर्च किया हुआ है। हमारे पास कुछ ट्रेड्स निकाले इसके हवाले, 13, 14 या 15 आप कह लें, तो वो कौन सी क्वालिटीज इस पे हम वर्क करें और हम अपने आप में वो ले आए तो हमसे भी लोग इम्प्रेस होंगे। मेरे साथ कोई कैमरामैन भी नहीं है तो मेरे कैमरे का थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा दूर रखा है कैमरा ताकि आपको एक व्यू भी मिले और साथ साथ हम चीजें भी डिस्कस करें। तो उसमें जो पहला हमारे साथ है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब ज़हनियत, काबिल कौन कितना है या वो कैसे चीजों को लेता है। मतलब है कि आप डिस्कशन करते हो उसमें आपका इंटेलेक्ट का पता चलता है भाई बंदे के साथ नॉलेज है कि नहीं। वो कौन से कन्वर्सेशन करते हैं, वो फालतू बातें करते हैं, वो काफी चीज इंटेलेक्ट के आप क्लास के अंदर कैसे परफॉर्म करते हो, कितने आपको चीजें आती है समझ आ जाती है, आप स्मार्ट कितने हो, आप वाइज कितने हो और बारे में आपको क्या नॉलेज है, मतलब आप किन चीजों के पीछे पड़े। जगह बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे, दो चीजें एक्सप्लेन करें। दूसरा जो चीज है वो इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी ये है कि आप एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप बड़े के साथ कैसे पेश आते हो, आपको उन चीजों का मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी है आप में। आप अगर कोई सख्त हालात में आप उनको कैसे लेते हो, कोई खुशी में आप उसको कैसे डील करते हो, किसी के लाइफ में मसाइल है आप उनको उनके मसाइल को सुनते हो, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हो, तो इमोशनली मैच्योरिटी आप में होगी तो आप इमोशनली ब्लैकमेल इन अ सेंस कि आप अपने रास्ते भी किसी को आसानी से लेके आ सकते हो, आप में इमोशनल मैच्योरिटी है। ये सारी चीज डिपेंडिंग है नॉलेज के ऊपर, कितना नॉलेज है आपको चीजों की, तो आप इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी आप में होगी और इमोशनल मैच्योरिटी भी आप में आएगी। अब वैसे उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जो सख्तियां बर्दाश्त करके, जो मतलब अब कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकला, उसने बाहर दुनिया नहीं देखी, तो उसके लिए जाहिर है काफी मुश्किल होगा, इमोशनल मैच्योरिटी उसके लिए काफी मुश्किल होगा। और जो बच्चा मैदान में खेला है, मैदान में उसने काफी वक्त गुजारा है, सख्तियां बर्दाश्त की, तो इमोशनल वो मैच्योर है, वो काफी स्ट्रांग। तीसरा जो हमारा है ऑथेंटिसिटी, आप कितना ऑथेंटिक हो, मतलब है कि आप कितना सच बोलते हो अपने हवाले से, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ ना बोले कि मतलब आपका बिजनेस है या आपका ये है वो है, उस जगह में फिक्स होने के लिए आप चीजें ना बहाने या मतलब झूठ ना बोले, ऑथेंटिक रहे, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी गोल की ऑथेंटिसिटी भी बता दे कि मेरा गोल क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट रहे बिल्कुल साफ शीशे की तरह। चौथा चीज है वो है सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, द एबिलिटी टू लाफ एंड फाइंड जॉय इन लाइफ अप्स एंड डाउन एंड क्रेडिबली अफील। मतलब है कि आपके जिंदगी में कोई भी वक्त आता है, कैसे भी सिचुएशन आता है, तो आप बिल्कुल कूल एंड काम हो, हर चीज को जॉय की तरफ लेके जाते हो, खुश मिजाज हो, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब आपने अच्छा अच्छाई की तरफ अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, आप पे खराब वक्त आया है तो आप ऐसा ना मूड चेंज करके मूडी बन जाते हो, तो मूडी आपने नहीं बनना है। पांचवी चीज की तरफ काइंडनेस एंड एम्पथी, आप एम्पथी और काइंडनेस शो करते हैं तो फीमेल जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीजों से, जैसे कि आपने देखा होगा शाहरुख खान अक्सर काइंडनेस और एम्पथी जो है वो औरतों के मामले में शो करते हैं, तो इतने वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो जो है उनके फैंस उस तरह बढ़ते हैं। छठे पॉइंट की तरफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ अश्योरेंस मतलब कितना बिलीफ है अपने आप पे, कितना नॉलेज हो तो फिर भी कॉन्फिडेंस, तो हर चीज तकरीबन नॉलेज के साथ रिलेटेड है। मतलब कॉन्फिडेंस से ये पता चलता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, तो कॉन्फिडेंस सेल्फ अश्योरेंस अपने आप पे बिलीव होता है कि भाई हाँ आई कैन डू इट, सो आई कैन डू इट वाले जो बंदे होते हैं। और बाकी जो ट्रेड से इंटेलिजेंट है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप फिर भी जो है इन चीजों पे आप कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ अश्योरेंस है, तो आप कहीं भी फील्ड में जा सकते हैं। सातवां पॉइंट है पैशन एंड पर्पस, आपकी जिंदगी में क्या पैशन है, क्या आप करना चाहते हैं, कोई मकसद है जिंदगी का या नहीं, आप क्या पढ़ते हो, क्यों करते हो, बिजनेस करते हो, आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हो, पैशन है आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कोई ना कोई आपकी जिंदगी में पैशन चाहिए। अगला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं वल्नरेबिलिटी एंड ओपननेस, के मतलब आप कितना इजी हो, वल्नरेबल मतलब कमजोर नहीं, नाजुक नहीं, मतलब है कि आप कितना ओपन हो, आप कितना इजी इंसान हो, आप कितना अपने आप को डिफिकल्ट ना बनाओ टू अंडरस्टैंड, आप अपने आप को ओपन करो कि भाई आई एम व्हाट आई एम, आप कितनी इजी हो, आप डिफिकल्ट ना बनो लोगों के लिए, आप इजी जब बनोगे, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू टॉक, इजी टू डिस्कस, बी इमोशनली ओपन, सो आप ये जो है क्रिएट करता है स्पेस फॉर द ट्रस्ट एंड authentic connection। 9 जो point है respect and inclusivity, मतलब है कि valuing diversity, respect
मतलब आप कितना प्रमोट करते हैं इक्विलिब्रियम को, आप ये नहीं कि मैं डोमिनेंट है और ये करेगा वो करेगा, आपको जस्टिस करना हो, आप जो भी एक्ट करते हो इंसाफ के साथ करो। जो 10वां पॉइंट हमारा है वो है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट द कमिटमेंट टू बी बेटर वन सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। आप सेल्फ अवेयरनेस, किताबें पढ़ते हो, लोगों के साथ बैठते हो, कम्युनिकेशंस करते हो, आप सीखते हो, आप माशरे को किस नज़र से देखते हो, माशरे में क्या सीखते हो, बिजनेस करते हो उससे क्या सीखते हो, अपने दोस्तों से क्या सीखते हो। जाते 11वें पॉइंट की तरफ, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। आप बॉक्स से आउटसाइड सोचते हो, बड़ा सोचते हो, आप कुछ यूनिक सोचते हो, आप क्रिएटिव बंदे हो, आप ऐसी बातें करते हो आपकी बातों से पता चलता है कि भाई ये भाई बंदा जो है ये क्रिएटिव आउटसाइड द बॉक्स है, ये कुछ नया करने का सोच, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देखता है भाई, कौन सा मसला है उसको कैसे हल करना है, किसी के लाइफ में क्या मसला है आपने क्या करना है उसका। तो दुनिया पे वैसे भी राज वो लोग कर रहे हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है। पॉजिटिव एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, कि आपसे पॉजिटिव, आपने इससे समझा होगा कि पॉजिटिव एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, आप कितना एक्टिव हो, कितना चुस्त हो, पॉजिटिव कितने हो आप में, कितनी पेसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना को, ये फ्यूचर बेहतरीन है, फ्यूचर होल्ड द बेस्ट, फ्यूचर में अच्छी चीज़ें, अगर आपने मेहनत की तो आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये है पॉजिटिविटी। 13वां पॉइंट, गुड लिसनिंग स्किल्स इन एंगेजमेंट। ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी है और मुझे ऐसा लगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के भी कुछ वो भी आ जाते हैं इसमें। तो गुड लिसनिंग स्किल्स इन एंगेजमेंट, आप लोगों को सुनते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनो, उनकी वो क्या कहना चाहते हैं उनसे सीखो। और एंगेजमेंट मतलब आप उनके साथ इंगेज करो, आप ऐसा ना हो कि बस सिर्फ अपना ही देखते रहो और अपने आप सिर्फ देखता है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात भी की कि ईगो वाले आपने नहीं बनना। 14वां नंबर पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। आपने अकाउंटेबिलिटी रखना, टेकिंग ओनरशिप ऑफ वंस एक्शन एंड डिसीजन शोज मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। आपने जो काम किया उसकी आप जिम्मेदारी लेते, भाई मैंने किया है, आप अकाउंटेबिलिटी हिसाब देने वाले बंदे के, भाई मैंने ये काम किया है इसलिए इस वजह से मैंने ये काम किया, तो आपकी ऑथेंटिसिटी क्लैरिटी और बढ़ती है। आखिरी पॉइंट 15 पॉइंट की तरफ, यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी। यूनिकनेस, आपने यूनिक बनना है, इंडिविजुअलिटी क्या है, एम्ब्रेसिंग वंस क्वर्क टैलेंट एंड पर्सनैलिटी विदाउट ट्राइंग टू कन्फर्म टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स इन हाईली अट्रैक्टिव वुमेन एडमायर दोज हु कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। आपने एग्जैजरेट नहीं करना चीज़ों को, आपने अपनी यूनिकनेस, अपनी जो आपकी काबिलियत है वही दिखाओ, ज़्यादा नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में आप जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाते। तो आपने अपनी इंडिविजुअलिटी कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपनी स्किन में अपने आप को शो करो, ये ना कि कुछ चीज़ें बड़ा चढ़ा के कम ज़्यादा करके। तो ये जो ट्रेड्स है ना, ये वैसे भी हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है किसी को इम्प्रेस करना है, तो ये पॉइंट्स, ये खूबियाँ अपनी आप मिलाओ, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास सब कुछ आएगा, तो आप विनर ऑफ द डे हो, विनर ऑफ द सिचुएशन हो, तो ये चीज़ें हमें अपनानी होगी, तब हमारा काम होगा।